महानंदा नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अहमदाबाद प्रखंड के लखनपुर पंचायत के डकरा गांव में बाढ़ का फैलाव बढ़ने से मुश्किलें बढ़ती जा रही है। निचले इलाके में बाढ़ के साथ साथ होने वाले कटाव ने लोगों को दहशत में जीने को मजबूर कर दिया है। कटाव में किसी के फूस के घर उजड़ गए तो किसी की कई एकड़ खेती डूब गई तो किसी के पशु महानंदा की धारा में विलीन हो गए। लेकिन देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। लखनपुर पंचायत के डकरा गांव में रहने वाले दिव्यांग आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद इनकी बात आप सुनिए। इन्हें ये जरूर पता है कि कटाव में उन्हें किसी प्रकार का मदद नहीं मिल रहा। उनके सामने खाने की दिक्कत आन पड़ी है। बस एक ही मांग कर रहे हैं, सरकार मदद करे। हमारा दिक्कत है, घर द्वार कट गया है, रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, इतना वोट देने से कुछ नहीं बना। हम यही चाहते हैं कि कुछ जमीन जगह वही मांग करते हैं, घर द्वार कुछ कटा हुआ है कुछ मिलेगा। ग्रामीण कटाव की परेशानी से जूझ रहे हैं, उन्हें डर है आज दूसरे का कल उनका सबका घर बाढ़ और कटाव में बह जाएगा। लेकिन ग्रामीण उस दिन को नहीं भूलते जब वोट मांगने विधायक जी आए थे और आश्वासन देकर चल दिए, फिर मुड़कर दोबारा कभी नहीं देखा। जब वोट हो रहा था तब आए थे, आए तो घूम घाम के नाव में चढ़ के यहाँ गए, लखनपुर गए, यहाँ आए, आए तो फिर चले गए, बोले कि इसके बाद हम जीत के आएंगे तो कुछ करेंगे। लेकिन दोबारा जीत के गए तो आज तक आए ही नहीं। हम लोग के दोबारा अगले साल से ही कटाव लगा हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, ना कुछ दिया ना कुछ आया, ना दोबारा फिर जीत के आए भी घूमने के लिए, आज तक नहीं आया। अभी कटाव फिर जारी है, पूरा काट रहा है। बोला था कि हम आएंगे फिर दोबारा तो व्यवस्था करेंगे देंगे, लेकिन आज तक कहाँ कुछ आया। कहना चाहते हैं कि कुछ सुविधा मिले हम लोगों को। बहरहाल स्थानीय लोगों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द फ्लड फाइटिंग का कार्य शुरू करे, जिनके घर उजड़े हैं उन्हें कुछ सरकारी मुआवजा मिले और जो लोग कटाव में फंसे हुए हैं उनको भी सरकार की ओर से कुछ सहायता प्रदान की जाए। शशि कुमार, टाइम्स न्यूज, अहमदाबाद।